इस वीडियो में मैं बात करने वाला हूँ इस बारे में, बेसिकली आज तक किसी भी आर्टिस्ट ने बात नहीं करी है, क्योंकि जैसा कि आप देख रहे हो कि आजकल बहुत ज़्यादा फेक आर्टिस्टों का जो है राइज़ हो गया है। जैसे कि आपने देखा कि आजकल क्या चीज़ें चल रही है और बहुत से फेक आर्टिस्ट जो है आ गए हैं, जो कि फेक कोर्सेज बना बना के सेल कर रहे हैं, स्कैम कर रहे हैं स्टूडेंटों के साथ। तो बेसिकली आज मैं आपको पहचान करने का तरीका बताने वाला हूँ कि आपको पहचान कैसे करनी है, बिकॉज़ ये जो बिगिनर्स होते हैं ना, बिगिनर्स जो स्टूडेंट होते हैं, जो थोड़े से इंटरमीडिएट आर्टिस्ट हैं या जिनको थोड़ी सी समझ है, जिनको पता है, उनको तो समझ होती है, चलो वो पहचान लेते हैं। लेकिन जो टेंथ के बच्चे अभी निकले हैं, ट्वेल्थ के निकले हैं, या जिनको भी समझ नहीं है, जो बिल्कुल टोटली बिगिनर्स हैं या आम ऑडियंस है, ये आम लोगों के लिए भी बात कर रहा हूँ मैं, जो पेरेंट्स हो गए उनकी भी बात कर रहा हूँ, बिकॉज़ उनको पता नहीं होता कि रियल जो आर्टिस्ट हैं, जिनको एक्चुअल में काम आता है, एक्चुअल में इनको टेक्निक्स आती हैं, जो सिखाते हैं एक्चुअल में चीज़ें, उनमें फ़र्क, और जो सो कॉल्ड इन्फ्लुएंसर बन के घूम रहे हैं, मिलियंस में फॉलोवर हैं जिनके, उनमें डिफरेंस क्या है, ठीक है? क्योंकि उनके लाखों में मिलियंस में फॉलोवर्स हैं, तो वो इन्फ्लुएंस कर लेते हैं, इन्फ्लुएंस आर्टिस्ट, इन्फ्लुएंस फेक आर्टिस्ट जिनको भी हम बोल सकते हैं, ऐसा टैग लाइन बेसिकली बना के दे सकते हैं हम उनको, ठीक है? वो जो है इन्फ्लुएंस कर लेते हैं लोगों को, होली वाले बिगिनर्स को, ठीक है, उनके मम्मी पापा को, और अपने जो कोर्सेज हैं जिनमें बिल्कुल ही कुछ नहीं, जिसे बोलते हैं ना कूड़ा भरा हुआ, जिसमें बच्चों के दिमाग में कूड़ा भर देते हैं, जो स्टूडेंटों के दिमाग में जो नए नए आर्टिस्ट आ रहे हैं उनके दिमाग बिल्कुल कचरा भर देंगे, ठीक है, अपनी बेकार की टेक्निक्स, जो कि टेक्निक्स हैं भी नहीं, ठीक है, वो उनके दिमाग में भर देंगे, उनका हाथ खराब कर देंगे। तो उनकी पहचान करने का क्या तरीका होता है वो मैं आपको आज बताने वाला हूँ, बिकॉज़ कभी भी किसी आर्टिस्ट ने इस बारे में बात करी नहीं है। बेसिकली हम लोगों की गलती है कि हम लोगों ने कभी इस बारे में बात नहीं करी, कभी पहचान नहीं करी, हम लोग चुप रहे कि यार चलो ठीक है, काम चल रहा है, इनका चलने दो, कोई अपना घर चला रहा है चलाने दो। पर अब नहीं, क्योंकि इससे बच्चों का फ्यूचर ख़राब हो रहा है, ठीक है, जो आने वाले स्टूडेंट हैं, नए नए आर्टिस्ट बन रहे हैं, उनका बेसिकली माइंडसेट बहुत बुरी तरीके से डिस्ट्रॉय हो जाता है। सबसे ज़्यादा जो दिक्कत होती है ना, हाथ खराब होता है, और सबसे ज़्यादा माइंडसेट जो होता है एज एन आर्टिस्ट का, जो माइंडसेट होता है वो इतना इस लेवल तक बर्बाद होता है इन इन्फ्लुएंसर्स की वजह से। इनको भी नहीं पता ये चीज़ कि ये लोग किस लेवल की आर्ट कम्युनिटी, आर्ट को किस तरीके से बर्बाद कर रहे हैं। ये बेसिकली जोक का काम करते हैं, एक जोक होती है ना, एक लीच होती है, जब आपकी चिपक जाती है तो पूरा खून चूसती रहती है, खून चूस के सारा वो खून निकाल देती है। तो बहुत सी टिप्स वगैरह दूंगा मैं आपको, जिसमें कि आप पहचान कर पाएंगे अच्छे मेंटोर की, अच्छे टीचर की, अच्छे आर्टिस्ट की। और ऐसे जो फेक आर्टिस्ट है ना, उसको आप तुरंत पकड़ लोगे कि हाँ ये पागल बना रहा है, ठीक है, कई, क्योंकि बिगनर्स को काम देख के समझ नहीं आता कि यार इसका भी काम रियलिस्टिक है, इसका भी काम रियलिस्टिक है, अरे मुझे इसका काम अच्छा लग रहा है इन्फ्लुएंसर का, मैं तो इसी सीखूंगा, उनको ये चीज़ हो जाती है। क्योंकि ये चीज़ मैंने टेस्ट भी कर रखी है अपने दोस्तों के साथ, जो आर्टिस्ट नहीं है, नॉन आर्टिस्ट हैं, वो ऐसे इन्फ्लुएंसर्स की तरफ अट्रैक्ट हो जाते हैं, लेजेंड जो आर्टिस्ट हैं उनके काम तक को छोड़ के, वो उनके काम तक की पहचान नहीं कर पाते। सबसे पहले तो आपको प्रोफाइल चेक करनी है आर्टिस्ट की, ठीक है, जिससे, और इनके लाइक्स अच्छे होंगे, इनके फॉलोवर्स अच्छे होंगे, उस पर नहीं जाना है। फॉलोवर्स देख के तो आप अट्रैक्ट हो ही जाओगे कि फॉलोवर्स तो बहुत ज़्यादा है, मिलियन में, लाखों में जा रहे हैं फॉलोवर्स। दूसरा आप देखोगे कि ये सबसे ज़्यादा ग्रिड से बनाएंगे, इनके पास ग्रिड 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 दिखेगी, हर एक काम में ग्रिड लगी हुई है, ग्रिड लगी हुई है, ग्रिड लगी हुई है, ग्रिड लगी हुई है, बिना ग्रिड के इनका हाथ ही नहीं चल रहा है, ठीक है। और इनकी लाइव ड्राइंग नहीं दिखेगी आपको कहीं भी, लाइव करते हुए नहीं दिखेंगे, ये दिखेंगे तो ग्रिड से बनाते हुए, कहीं भी देख लो ग्रिड से बनाते हुए। और उसमें भी ग्रिड क्या होती है वो भी आपको समझ लो, ग्राफ होता है बेसिकली, जिनको नहीं पता उनके लिए बता रहा हूँ, ग्राफ होता है, ग्राफ पे रख के जब हम बनाते हैं ना, थोड़ा इजी होता है उसको ड्रॉ करना, और ये ग्रिड को बहुत अच्छे से प्रमोट भी करेंगे। ये भी नहीं बोलेंगे कभी कि ग्रिड बहुत गलत चीज़ है, कभी नहीं बोलेंगे, ये हमेशा ग्रिड को हमेशा अच्छा दिखाएंगे, ग्रिड बहुत अच्छी है, ग्रिड तो लियोनार्डो यूज़ करते थे, माइकल एंजेलो यूज़ करते थे, बड़े बड़े आर्टिस्टों से कंपेयर करेंगे अपने, कंपेयर भी कैसे कर रहे हो यार, ये भी तो सोच लो, ठीक है, कंपेयर करेंगे, उसके बाद आपको इन्फ्लुएंस करेंगे, ये इन्फ्लुएंस करने का तरीका होता है इनका, लियोनार्डो भी तो यूज़ करता था, ये भी तो यूज़ करता था, अरे लियोनार्डो यूज़ करता था बड़े बड़े काम के लिए, जैसे दीवार जितना बना रहा, बिल्डिंग जितना कुछ बनाना, उसको बहुत बड़ा काम करना है, तब वहाँ पे वो ग्रिड यूज़ करता था, क्योंकि हाथ सिर्फ इतना ही चलता है ना हमारा, हाथ की मूवमेंट तो इतनी होती है मैक्सिमम, ठीक है, तो ग्रिड इसलिए वो यूज़ करते थे पुराने ज़माने के जो बड़े आर्टिस्ट होते थे। इतने छोटे छोटे काम में भी ग्रिड यूज़ करेंगे, इतना छोटा सा काम करेंगे ना उसमें भी ग्रिड लगा के करेंगे, और ग्रिड भी आपको भर के दिखेगी इनके काम में, ठीक है। सो सबसे पहले आप वो चीज़ आप देख,
जो भी आर्टिस्ट ग्रिड यूज़ करके बना रहा है, ठीक है, एक दो काम बना रहा है, चलो कोई बात नहीं, कमीशन वर्क में चलती है ग्रिड। लेकिन अगर आप देखोगे ना, इनके उनके सारे काम ग्रिड के हैं, सारे काम ग्रिड के और सारी सेलिब्रिटी पोर्ट्रेट, तो ये एक रेड फ्लैग है। दूसरी बात, उनके कोर्सेज आपको बहुत सस्ते मिलेंगे, ठीक है, कुछ कुछ के हो सकता है गिने चुने होंगे जिनके महंगे मिल जाएं, लेकिन जितनी मेरी नॉलेज है, इनके कोर्सेज बहुत सस्ते मिलेंगे आपको, 100, 200, 300, 400, 500, 1000 मैक्सिमम, ठीक है, यही कोर्सेज मिलेंगे इनके पास, 100, 200, 300, 400। तो आप और ज़्यादा अट्रैक्ट होगे इनकी तरफ कि यार बहुत सस्ता कोर्स है। ऐसा नहीं जो अच्छे आर्टिस्ट हैं वो सस्ते में नहीं सिखाते, सस्ते में सिखाते हैं, ऐसी बात नहीं है, लेकिन इनके कोर्सेज आपको एवरेजली सस्ते ही दिखेंगे। तो ये भी एक खतरे की घंटी समझ लें, लाइव कुछ नहीं ड्रॉ करेंगे, कभी भी लाइव ड्राइंग नहीं करेंगे, ठीक है, लाइव ड्राइंग करने से हमेशा बचेंगे, हमेशा बचेंगे, हमेशा करेंगे भी तो ग्रिड से ड्रॉ करेंगे, इनके पास हमेशा स्केल मिलेगा ग्रिड से ड्रॉ करने के लिए, या तो ग्रिड से बनाएंगे या छाप के बनाएंगे, यही होता है इनका प्रोसेस। फिर आते हैं हम शेडिंग के ऊपर कि शेडिंग वाला काम कैसे करते हैं। अब जो शेडिंग वाला काम ये लोग करेंगे ना, जो शेडिंग वाला काम होगा उसमें आपको ब्लेंडिंग ज़्यादा दिखेगी, ब्रश टूल्स हो गए, ब्लेंडिंग स्टम्प्स हो गए, रेंडरिंग करते हुए देखेंगे। रेंडरिंग क्या होती है, जब आप पेंसिल को ऐसे पकड़ते हो और उससे रेंडर करते हो धीरे 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 धीरे, पूरा काम रेंडर करके करते हो अच्छे से। ये क्या करेंगे, हल्का सा ऐसे पाउडर लगाया, पेंसिल हल्की लगाई, उसको सारा ब्लेंड कर दिया। तो ब्लेंडिंग, ओवर ब्लेंडिंग करेंगे ये काम के अंदर बहुत ज़्यादा, क्योंकि बिगिनर समझ नहीं पाते ब्लेंडिंग और रियल रेंडरिंग के अंदर फ़र्क क्या होता है, ठीक है, वो डिफरेंस वो समझ नहीं पाते हैं। वो मैं आपको डेमो करते करते ही बता दूंगा, ठीक है। दूसरी चीज़, कभी इनका हाथ चलते हुए देखना, हाथ इनका किस तरीके से चलेगा, ये हमेशा पेंसिल को तोड़ तोड़ के चलाएंगे, ठीक है। और जो रियल आर्टिस्ट होगा ना, मैं आपको एक तरफ कंपैरिजन करके भी दिखा रहा हूँ, ठीक है, जो रियल आर्टिस्ट होगा ना उसके हाथ में एक फ्लो होगा, ठीक है, वो इस तरीके से हाथ चल रहा है उसका, इस तरीके चल रहा है। सबसे बड़ी बात होगी, वो पेंसिल को पकड़ेगा, वो पेंसिल को पकड़ेगा नहीं, पेंसिल से डांस करवाएगा वो, ठीक है। कुछ ग्रिप्स होती हैं, जैसे कि ये होती है ट्राइपॉड ग्रिप, लिखने के लिए यूज़ होती है ग्रिप, ये वाली ग्रिप होती है ओवरहैंड ग्रिप। जो अच्छे आर्टिस्ट होंगे ना, जो एक्चुअल में टेक्निक वाले आर्टिस्ट होंगे, वो हमेशा इस तरीके से काम करेंगे, जैसा कि आप मेरा हाथ चलते हुए देख रहे हैं कि मैं किस तरह, नहीं तो वो हमेशा ओवरहैंड ग्रिप, कैंडल ग्रिप शेडिंग के लिए ये वाली ग्रिप्स का यूज़ करेंगे आर्टिस्ट। हाथ में मूवमेंट होगी, पूरे जेस्चर होगा, ठीक है, साथ में कॉन्फिडेंस होगा ड्राइंग करते टाइम, ठीक है, जिस तरीके से मैं ड्रॉ कर रहा हूँ, ठीक है, लाइन में फ्लो होगा एक, ठीक है, जेस्चर दिखेगा लाइन में, एक फीलिंग दिखेगी, आपको समझ आ जाएगा देख के। और ऐसे आर्टिस्ट कैसे बनाएंगे, वो तोड़ तोड़ के बनाएंगे लाइन्स को, बहुत तोड़ तोड़ के, डर डर के ड्राइंग करेंगे बहुत ज़्यादा। फेक आर्टिस्टों की जब आप पेंटिंग्स भी देखोगे ना, कुछ वैसे तो इनको पेंटिंग उतनी अच्छे से आती नहीं होती, लेकिन इनकी पेंटिंग्स भी देखोगे ना, इनकी पेंटिंग की ड्राइंग में हमेशा गलतियाँ मिलेंगी आपको, आँख छोटी बड़ी हो रही है, इस तरीके से काम हो रहा है, या तो फिर इनकी जो पेंटिंग्स होंगी वो भी वो ग्रिड से बनाई हुई होंगी, वो बहुत ज़्यादा ओवर सैचुरेटेड कलर होंगे, ठीक है। कभी भी जो बहुत अच्छा आर्टिस्ट होगा ना, उनके काम में आपको इतनी ओवर सैचुरेशन नहीं मिलेगी, और इनकी अगर देखोगे कलर्स वगैरह तो बहुत ज़्यादा ओवर सैचुरेट दिखेंगे आपको कलर। ब्लैक कलर का यूज़ इन्होंने कभी भी सही तरीके से यूज़ नहीं करा होगा, ठीक है, ब्लैक कलर देखोगे तो बहुत अजीब तरीके से दिखेगा, कलर बहुत ओवर सैचुरेटेड होंगे इनकी पेंटिंग्स के अंदर। ड्राइंग में, पेंटिंग में जो ड्राइंग होगी वो बहुत ज़्यादा गलत होगी, ठीक है, या तो सही भी होगी तो वो ग्रिड के द्वारा बनाई गई होगी वो पेंटिंग भी। आर्टिस्टों की सबसे बड़ी पहचान ये होती है कि ये बहुत ज़्यादा आपको दिखेंगे ओवर कॉन्फिडेंट दिखेंगे हमेशा, और इनका एक लर्निंग माइंडसेट नहीं होता, ठीक है, ये कभी भी सीखने के ऊपर कभी फोकस नहीं करते, ठीक है, ये खुद को बोलेंगे हम तो प्रोफेशनल आर्टिस्ट हैं, हम तो बहुत बड़े प्रोफेशनल आर्टिस्ट हैं, ठीक है, हमेशा इसी चीज़ का गाना गाते हुए दिखेंगे ये लोग आपको, नहीं दिखेंगे। इनके जो सब्जेक्ट होंगे वो कभी भी आपको अच्छे नहीं दिखेंगे, हमेशा सेलिब्रिटी पोर्ट्रेट्स ही दिखेंगे इनके सब्जेक्ट्स में। जितने भी लोग सेलिब्रिटी पोर्ट्रेट बनाते हैं सारी गलत हो गए, लेकिन इनकी पहचान करने का तरीका बताता हूँ, जनरली इनके पास सिर्फ सेलिब्रिटी पोर्ट्रेट्स ही आपको दिखेंगे कलेक्शन में। बट आप इनके स्टूडेंटों का काम देखो, जो भी इनके प्रीवियस स्टूडेंट हैं उनका आप काम देखो, ठीक है, उनका काम किस तरीके से है, उस चीज़ को आप सबसे पहले चेक करो कि इनके कोई स्टूडेंट हैं भी या नहीं, बस ऐसे ही बना रहे हैं, या फिर जो भी इनके प्रीवियस स्टूडेंट हैं उनके फीडबैक्स क्या रहे हैं, ठीक है, उनका काम कैसा रहा है, उनकी कोई इंप्रूवमेंट हुई है कि नहीं हुई है, वो चीज़ चेक करो, वो चीज़ देखो एक बार, क्योंकि वो चीज़ देखना बहुत ज़्यादा। सबसे पहले तो ये लोग आर्ट मार्केट को ख़राब करते हैं, ठीक है, बिकॉज ये अपने कोर्सेज ये सब चीज़ें इतनी ज़्यादा लो रेट पे सेल करते हैं कि जो भी बिगिनर्स हैं स्टूडेंट हैं वो इनकी तरफ बहुत ज़्यादा अट्रैक्ट होते हैं, और जो भी अच्छे आर्टिस्ट हैं ना
उनकी फ़ीस थोड़ी ज़्यादा होने की वजह से क्या होता है कि उनका मार्केट भी इनसे इनकी वजह से ख़राब होता है, उनकी वजह से दिक्कत होता है। और मार्केट ख़राब होने के साथ साथ जो भी स्टूडेंट्स हैं, जो भी आर्ट सीख रहे हैं, उनका माइंडसेट ख़राब होता है, उनका हाथ ख़राब होता है और उनके अंदर बैड हैबिट्स डेवलप हो जाती है। और जब वो ऐसे आर्टिस्टों के बारे में समझ जाते हैं, क्योंकि जब तक वो समझते हैं तब तक बहुत देर हो चुकी होती है, ठीक है। क्योंकि मैं भी ऐसे गलत आर्टिस्टों के पास जाके सीखा हूँ, मैंने भी ऐसी बहुत सी गलतियाँ करी हैं, ठीक है। जो भी बिगनर्स वगैरह करते हैं, जब मैं बिगनर था तब मेरे को भी गलत टीचर्स मिले थे, ठीक है, जिनसे मैंने सीखा और चीज़ें मैंने अभी अपने हाथ ख़राब किए, गलत सही करके हम जैसे तैसे सीखे, हमें फिर बाद में अच्छे मेंटोर भी मिले। धीरे धीरे समझ होती है, लेकिन उस समझ को समझने के लिए मैंने पहले आपको ये सारी बातें बता दी हैं, ठीक है, कि आपको किन किन चीज़ों का ध्यान रखना है, आपको कैसे चेक करना है एक अच्छे आर्टिस्ट को, अच्छे मेंटोर को कैसे चेक करना है। और जितनी भी फेक आर्टिस्ट हैं, फेक इन्फ्लुएंसर जिनके लाखों करोड़ों में फॉलोवर्स हो रहे हैं, उनसे आपको क्यों बच के रहना है और क्या क्या चीज़ों का आपको ध्यान रखना है। जो भी ये पेरेंट्स ये काम ये वीडियो देख रहे हैं, ये उनके लिए भी ये वीडियो है। हो सकता है कुछ चीज़ समझने में आपको दिक्कत हो अभी, लेकिन ये थोड़ी थोड़ी चीज़ें भी अगर आप ध्यान रखोगे ना, तो एटलीस्ट आप एक दो लेयर से तो एटलीस्ट बच ही जाओगे कि आप वर्स्ट सिचुएशन में ना फंसो, ठीक है। आपका हार्ड एंड मनी बर्बाद ना हो, आपका टाइम बर्बाद ना हो। देखो, मनी तो हम दोबारा भी कमा लेते हैं एक बार, लेकिन जो टाइम चला गया वो तो वापस नहीं ला सकते। जो माइंडसेट ख़राब हो गया वो उसे भी लाने में बहुत टाइम लग जाता है। क्योंकि मेरे पास ऐसे बहुत से स्टूडेंट आते हैं जो कि किसी ख़राब आर्टिस्ट से सीख के आ गए हैं, फिर जब मैं उनको सिखाता हूँ तो वो फिर मुझसे काउंटर क्वेश्चन करते हैं कि सर आप तो ये टेक्निक बता रहे हो, उसने तो मुझे ये चीज़ बताई थी, उसने तो मुझे ग्रिड लगाना बताया था, ग्राफ से बताया था, उससे ईजी हो गया था, अब आप ये फ्री हैंड तरीका बता रहे हो तो मेरे से हो नहीं रहा है। तो वो चीज़, क्योंकि बच्चों को एक कम्फर्ट इतना दे दिया गया है ग्रिड 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 करके, उनकी लत इतनी ज़्यादा लग गई है कि वो छुड़वाने में ही जो है बहुत ज़्यादा मेहनत लग जाती है। एज अ टीचर मैं बता रहा हूँ आपको, तो टीचर को भी बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम होती है जब वो ऐसे स्टूडेंटों को सिखाते हैं जो गलत जगह अपना हाथ ख़राब करके आ जाते हैं, गलत जगह सीख के आ जाते हैं, क्योंकि उनके अंदर बहुत सारी बैड हैबिट्स डेवलप हो जाती हैं। और सबसे बड़ी बात तो उनका काम चोरी भी एक बढ़ जाती है कि काम चोरी करने लग जाते हैं बच्चे, ये भी एक चीज़ हो जाती है। और यही उनको लगता है कि आर्ट बस यहीं तक सीमित है कि पोर्ट्रेट बनाओ, कमीशन वर्क बनाओ, बस। जबकि आर्ट इससे बहुत गहरी चीज़ है। जो भी इन्फ्लुएंसर हैं, जो भी यूट्यूबर हैं, इनका फ्यूचर सिर्फ 3-4 साल तक ही रहता है, ठीक है। ये लाखों मिलियन में फॉलोवर बना लेंगे, पैसा कमाएंगे, शॉर्ट टर्म में निकल जाएंगे। लेकिन जो एक अच्छा आर्टिस्ट होता है वो जब तक ज़िंदा होता है और उसके मरने के बाद भी उसकी आर्ट ज़िंदगी भर हमेशा चलती रहती है। लियोनार्डो दा विंची उठा लो, 500 साल पहले कितने पुराने आर्टिस्ट थे, आज भी इनकी पेंटिंग है ना, इनका नाम लिया जाता है। अगर ये कोई यूट्यूबर होता तो क्या उसका नाम लिया जाता है इतने साल बाद? नहीं लिया जाता ना, क्योंकि इनके सब्जेक्ट भी तो ऐसे होते हैं, सेलिब्रिटी पोर्ट्रेट बनाती है, दुनिया बना रही है वो चीज़ें, ठीक है। उसमें आपको कुछ भी ग्रोथ नहीं मिल रही है उस तरीके से, बस शॉर्ट टर्म में ग्रोथ मिलती है वो। तो उस वजह से बच्चों के सब्जेक्ट्स भी ख़राब होते हैं कि वो क्या सब्जेक्ट चूज़ कर रहे हैं ड्रॉ करने के लिए, पेंट करने के लिए, बनाने के लिए। तो ये कोई सब्जी मंडी तो है नहीं कि आप जाओगे कि ये सब्जी वाला सस्ती सब्जी दे रहा है, ये महंगी दे रहा है, तो मैं सस्ती वाली से ले लेता हूँ, वो चीज़ तो है नहीं। ये चीज़ें आप मेंटोर कौन सा चुन रहे हो, आर्टिस्ट कौन सा चूज़ कर रहे हो जो कि आपके दिमाग में जा रहा है। आप कोई मेंटोर चूज़ कर रहे हो ना, तो आप उसको ये हक दे रहे हो कि वो आपके दिमाग में जाए और उसके सारे तार को छेड़ दे, उसकी प्लगइन अगर कहीं भी उल्टी सीधी हो गई ना तो कहते ना भटाका भर जाएगा, बिजली के खंभे में अगर कहीं भी तार गलत जोड़ दिया तो भटाका हो जाएगा। तो ये बिल्कुल आपका दिमाग वही चीज़ है, अगर आपने गलत मेंटोर को इसके अंदर घुसा दिया ना तो वो सारा भटाका बोल जाएगा। कहते ना थोड़े से पैसे बचाने के चक्कर में आप अपना टाइम का नुकसान करो, अपना हाथ ख़राब करो, वो बहुत चीज़ गलत है। और थोड़े पैसे आपको ज़्यादा देने पड़े, ठीक है, थोड़ी फ़ीस आपको ज़्यादा देनी पड़े एक अच्छे आर्टिस्ट के लिए, तो वो दो, क्योंकि वो आपके लिए वैल्यूएबल रहेगा लाइफ टाइम तक। लेकिन अगर आप किसी ऐसे इन्फ्लुएंसर वगैरह के चक्कर में फंस जाओगे, ठीक है, वहाँ आप फीस भी दे दोगे, फिर अपना टाइम भी ख़राब करोगे, गलत जगह सीखोगे, फिर आप किसी जो आपको समझ में आएगा फिर आप किसी अच्छे आर्टिस्ट के पास सीखने जाओगे, तो इवन आपकी फ़ीस उससे ज़्यादा डबल लग गई, प्लस आपका टाइम भी लग गया उस चीज़ में। तो जहाँ पैसे बचाने के बारे में सोच रहे थे, कंजूसी के बारे में सोच रहे थे, वहाँ आपका पैसा और टाइम और ज़्यादा लग गया, और साथ में अपने बैड हैबिट्स का और एक बैग जो है अपने सर पर लाद दिया, ठीक है। अब आप किसी अच्छे टीचर के पास जाओगे तो उसको भी एक्स्ट्रा मेहनत करनी पड़ेगी आपको सिखाने के लिए। तो आपको हम्बलनेस रखनी है, रूडनेस नहीं रखनी है, ठीक है। सारे चेक पॉइंट्स मैंने आपको बता दिए कि आपको कैसे पहचान करनी है।
सो थैंक यू फॉर वॉचिंग गाइस, कीप सपोर्टिंग एंड कीप लविंग।